मजदूर आदमी था। गरीबी के दौर में भी एक चाहत थी कि उसकी सुंदर और सुशील बेटी गीतिका को एक धन संपन्न परिवार मिले। दहेज देना उसके वश में नहीं था, लेकिन अपनी गीतिका को वह सारी खुशियां देना चाहता था। और उसका सपना पूरा जब हुआ, जब गीतिका के लिए आशीष का रिश्ता आया। गीतिका सुंदर थी, इसलिए आशीष को पहली नजर में ही पसंद आ गई। किशोर ने आशीष से कहा, देखो बेटा, मेरे पास देने के लिए दान दहेज कुछ नहीं है। तो आशीष बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे आप जो भी देंगे अपनी बेटी को ही देंगे, सभी लोग देते हैं अपनी बेटी को, दामाद का तो बस नाम ही बदनाम होता है। वैसे मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, गाड़ी है, घर है, नौकर है, आपकी बेटी के भाग्य खुल जाएंगे। गीतिका की माँ रति ने कहा, जरा सुनते हो, इधर आओ। क्या हुआ भाग्यवान? लड़के वाले रिश्ता पक्का करके जा रहे हैं, बदले में हमें भी कुछ देना चाहिए। मैं कह रही थी कि दीपावली पर जो चांदी का सिक्का खरीदा था ना, वो दे देते हैं, बड़े लोग हैं, इससे ज्यादा तो हमारी औकात भी नहीं है। किशोर ने चांदी का सिक्का देकर रिश्ता पक्का कर दिया। किशोर ने गीतिका की शादी अपनी हैसियत के अनुसार आशीष से कर दी। गीतिका बोली, आशीष, आपका घर तो बहुत बड़ा और सुंदर है। हाँ, अभी तो यहाँ देखना कि तुम्हारी खातिरदारी कैसे होती है। तुम्हारे यहाँ तो पूरी सब्जी खिलाकर काम खत्म कर देते हैं। गीतिका शर्मिंदा हुई, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। आशीष की माँ कमला बोली, सुनो बहू, मेरी एक ही बेटी है निम्मी, कल को उसकी शादी हो जाएगी तो वो भी ससुराल चली जाएगी, फिर ये सब तुम्हारा ही है। बस कोई ऐसा काम मत करना जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। तो गीतिका ने कहा, माँ, आप मेरी सास नहीं माँ जैसी हो, अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप बेटी की तरह मुझे समझा देना, ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। कमला बोली, हाँ हाँ ठीक है, जाकर चाय बना लाओ। इसी तरह दिन गुजरने लगे। एक दिन गीतिका ने आशीष से कहा, आशीष, बहुत दिन हो गए मुझे मेरे घर ले चलो, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत मन कर रहा है। तो आशीष बोला, क्या जाऊं तुम्हारे घर, मेरा मन नहीं करता वहां जाने का, आखिर वहां है क्या? मेरा मायका है आशीष। अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपने पड़ोसी के लैंडलाइन नंबर पर कॉल करके बता देना कि हम संडे में आ रहे हैं, पता चले कि हमारी खातिरदारी करने के बजाय वो मजदूरी करने पहुंच जाएं। गीतिका आशीष की बात सुनकर बहुत दुखी होती है, लेकिन उसमें झूठ भी क्या था। अगर उसके पिताजी एक दिन मजदूरी करने नहीं जाएंगे तो दामाद की खातिरदारी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? किशोर ने कहा, सुनो रति, गीतिका ने फोन किया है, परसों हमारी बेटी और दामाद जी आ रहे हैं, मैं कहीं से पैसों का इंतजाम करता हूँ, चाय नाश्ते और खाने के लिए, कुछ शगुन देने के लिए भी तो होना चाहिए। तो रति बोली, ठीक है जी, लेकिन चारपाई के लिए एक चादर भी खरीद लाना, वैसे भी दामाद जी को सब बढ़िया दिखाई देगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, तुम आस पड़ोस से एक मेज और पंखे का इंतजाम कर लेना, हमारे दामाद बड़े घर के बेटे हैं, गर्मी में रुक नहीं पाएंगे, नाश्ता पानी रखने के लिए मेज की जरूरत भी पड़ेगी। वे दोनों बेचारे इसलिए हड़बड़ा रहे थे कि उनके दामाद आ रहे थे। मालिक से 5,000 एडवांस लेकर किशोर ने दामाद के स्वागत की सारी तैयारियां कर ली। अरे आप आ गए दामाद जी, हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आशीष ने चिढ़कर कहा, अरे कब से आ जाते, लेकिन यहाँ तक आने के लिए गलियों के सैकड़ों गड्ढों को पार करना पड़ता है, पता नहीं आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे। तो रति बोली, दामाद जी हाथ मुंह धो लो, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। अरे नहीं दीजिए, वैसे भी आपके यहाँ तो बाथरूम भी नहीं है जहाँ मैं फ्रेश हो सकूँ, ये गर्मी है। आपके सामने दो पंखे लगे हुए हैं, फिर भी आपको गर्मी लग रही है, यहाँ का मौसम तो वैसे भी ठंडा रहता है।
आप नाश्ता कीजिए दामाद जी। ले आओ, वैसे भी गड्ढों में गाड़ी चलाते हुए सारा खाना पच गया है, लेकिन चाय में दूध डाल देना। वैसे भी आपकी यहाँ की चाय तो मुझे पसंद ही नहीं आती। रदी, दामाद जी को दूध ही दे दो। जितनी देर आशीष वहाँ रुका, उनकी गरीबी का मजाक ही उड़ाता रहा। जाते समय रति ने जब दोनों को शगुन दिया तो आशीष ने कहा, रहने दीजिए, वैसे भी इस लिफाफे में बाबूजी ने अपनी एक दिन की मजदूरी रख दी होगी। गीतिका रोते हुए बोली, बेचारे सुबह से आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, आप फिर भी उनकी बेइज्जती ही किए जा रहे हो। आशीष गुस्से से बोला, मुझे ज्यादा भाषण मत दो, जानता हूँ तुम मायके में हो, अपने घर तो खुद का भी शेर होता है। अरे दामाद हो इनका, कोई ऐसा नहीं किया है मुझ पर। गीतिका ससुराल चली गई और सोचने लगी कि आशीष को कैसे एहसास दिलाऊं कि वह दामाद नहीं बेटा बनने की कोशिश करे। सुबह के 9 बज गए, लेकिन गीतिका सोकर नहीं उठी। कमला बोली, आज बहू रानी 9 बजे तक आराम फरमा रही है। तो आशीष ने गुस्से से कहा, उठो गीतिका, माँ सारा काम कर रही है और तुम 9 बजे तक सो रही हो। गीतिका ने जवाब दिया, बहू नौकरानी नहीं, जब तक मन करेगा जब तक सोऊंगी। उसका जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। अब गीतिका निम्मी की तरह कोई काम नहीं करती, खाती पीती और पूरे दिन मजे से टीवी देखती। कमला ने अपने बेटे से कहा, आशीष जब से ये घर से आई है ये बदल गई है। हाँ माँ, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। कमला बहुत बीमार हो गई, लेकिन गीतिका ने उसे पानी के लिए भी नहीं पूछा। वह अपने लिए बनाती, खाती और मस्त रहती। आशीष बोला, गीतिका ये सब क्या है? अरे मेरी माँ मर रही है और तुम टीवी देख रही हो। तो गीतिका ने कहा, ना मैं नर्स हूँ ना डॉक्टर। तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम इतना ख्याल रखती थी माँ का, अब क्या चाहती हो कि मैं उनकी बहू हूँ तो उनके आगे पीछे नौकरानी की तरह नाचती रहूं? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है गीतिका, मैं चाहता हूँ कि तुम बहू नहीं बेटी बनकर उनका ख्याल रखो। ओहो, आज तुम्हें याद आ ही गया कि मैं बहू नहीं बेटी बनकर उनकी सेवा करूं। लेकिन क्या कभी तुमने ये सोचा है कि मैं दामाद नहीं बेटा बनूं? मेरे माँ बाप कर्ज लेकर तुम्हारी खातिरदारी में लग जाते हैं, क्या कभी तुमने उनकी इज्जत करी? कभी सोचा कि मैं उनके लिए क्या करूँ? तुम उन्हें सम्मान दो, इसके अलावा तो मैंने कभी कुछ नहीं चाहा। फिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारी माँ की बेटी बनकर उनका ख्याल रखूँ? सच में गीतिका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो कभी सोच ही नहीं पाया कि जैसे तुम्हारे माँ बाप हैं, वैसे मेरे भी हैं। तुमने मेरे पूरे परिवार को संभाला था और मैं हमेशा तुम्हारे माँ बाप को नीचा दिखाता रहा। अब मैं कभी उनका अपमान नहीं करूँगा, दामाद नहीं बल्कि उनका बेटा बनने की कोशिश करूँगा। कल ही जाकर मैं उनसे माफी मांगूंगा। मुझे खुशी हुई कि तुम मेरी बात को समझे आशीष। मैं अपनी सास को अपनी माँ की तरह प्यार करती हूँ। उनको तकलीफ में देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये सब मैंने तुम्हें ये समझाने के लिए किया कि तुम भी दामाद नहीं बेटा बनो। मैं माँ का अब अच्छे से ख्याल रखूंगी। ठीक है गीतिका, मैं भी अब तुम्हारे माँ बाप का दामाद नहीं बेटा बनकर दिखाऊंगा। और फिर वो दोनों अपनी गलतियों को सुधार कर हंसी खुशी रहने लगे।